प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक वो डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ये बताती है करंट फ्लो कर रही है या नहीं फ्लो कर रही है, पर कितनी फ्लो कर रही है उसको नहीं बताती। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इट? PVS हमने डेरिवेशन किया था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप। व्हेन अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अ टॉर्क इज एक्टिंग ऑन इट और इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ टॉर्क। ये हमने ड्राइव किया था। तो जब किसी करंट कैरिंग कॉयल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो व्हाट हैपन? अ टॉर्क इज एक्टिंग ऑन इट, राइट? अब आगे चलते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन क्या होती है? देखो, इसकी सिंपल कंस्ट्रक्शन में जाते हैं। यहां पे एक मिरर लगा हुआ है, इसे कहते हैं टॉर्सन हेड। टॉर्सन हेड, ये क्या है? फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ये क्या आपके पास? मिरर। यहां से एक वायर को आपने कनेक्ट किया, ये करंट आ रही है T1, टर्मिनल T1 से। यहां पे आपने किसको लटकाया? आर्मेचर कॉयल को। सॉफ्ट आयरन कोर पे एल्यूमिनियम या कॉपर वायर की बाइंडिंग की जाती है। यहां पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये किसको जा रही है? T2 से ये करंट आई बाहर जा रही है। करंट आई बाहर अंदर आ रही थी, ये मिरर है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस साउथ पोल, ये आर्मेचर कॉयल। दिस इज स्प्रिंग, ये कॉइल है। आपने टॉर्सन हेड से फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप की एक एंड को टाइट किया, दूसरे एंड पे आपने आर्मेचर कॉयल को हैंग किया। ये आर्मेचर कॉयल दो कॉनकेव शेप ऑफ मैग्नेट के बीच में प्लेस्ड है। द कॉनकेव शेप ऑफ मैग्नेट प्रोवाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नोन एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कॉनकेव शेप ऑफ मैग्नेट क्या प्रोवाइड करती है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है, जिसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। इसका मतलब ये आर्मेचर कॉयल किस में प्लेस्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। इसका प्लेन ऑफ कॉयल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी, साउथ पोल की ओर जाएंगी। तो ये जो प्लेन ऑफ कॉयल है दैट इज मेकिंग एन एंगल 0° विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम करंट को फ्लो कराएंगे, ये एक मिरर अटैच होता है, ये मिरर पोजीशंस को बताता है, क्योंकि ये सस्पेंडेड टाइप की हम बात करें। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में किसकी बात कर रहे हैं? हम सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं। सस्पेंडेड टाइप, दो तरह के गैल्वेनोमीटर होते हैं। ये सस्पेंडेड टाइप इंस्ट्रूमेंट बड़ा सेंसिटिव होता है, माइन्यूट से माइन्यूट करंट को भी डिटेक्ट करता है। आपने क्या किया? अब करंट को फ्लो कराया, जब करंट फ्लो करेगी तो क्या होगा? एक टॉर्क एक्ट करेगा। इस टॉर्क को क्या कहेंगे? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू NIAB, क्योंकि इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ कॉइल, तो थीटा 0° हो गया, राइट? ये डिफ्लेक्टिंग है। एक आएगा रीस्टोरिंग टॉर्क। अब जब टॉर्क, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसे रोटेट करेगा, जो स्प्रिंग होगा वो कंप्रेस होगा, दबेगा। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो एक टॉर्क डेवलप होगा, जिसे कहेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। और ये जितना एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, जितना ये ट्विस्ट कर जाएगा अपनी पोजीशन से, कितने एंगल रोटेट कर जाएगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारे पास एक रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा, टाउ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5 एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो टाउ
रीस्टोरिंग इज इक्वल टू सी फाई, सी को क्या कहेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक। सी को क्या कहेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहां पे ये जो जैसे जैसे रिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा एक्ट करेगा, एक कंडीशन ऐसी रीच होगी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को रिस्टोरिंग टॉर्क क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को रिस्टोरिंग टॉर्क क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो अब इस कंडीशन में एट इक्विलिब्रियम टाउ रीस्टोरिंग किसके बराबर हो जाएगा, तो सी फाई एन आई ए बी आई इज इक्वल टू सी अपॉन एन ए बी फाई। तो आई क्या हो जाएगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, बिकॉज सी अपॉन एन ए बी क्या होगा, आई को हम कहेंगे के फाई, वेयर के इज इक्वल टू सी अपॉन एन ए बी। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट, जितना एंगल ऑफ ट्विस्ट ज्यादा होगा उतनी करंट फ्लो करेगी। हम इस इक्वेशन से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड I is equal to C phi upon NAB, phi upon I is equal to NAB upon C, right? ये कहलाती है current sensitivity, phi upon I, मतलब angle of twist per unit current। Current sensitivity कैसे define होती है, angle of twist पर यूनिट करंट। वी नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर होगा तो क्या होगा, इसमें आई की वैल्यू पुट करी सी फाई अपॉन एन ए बी आर, तो फाई अपॉन वी इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी आर। इसे क्या कहेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी, द एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट वोल्टेज। द एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट वोल्टेज क्या कहलाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। द एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट करंट क्या कहलाएगा, करंट सेंसिटिविटी। मैं आपको इसमें पाइवोटेड टाइप की भी डायग्राम समझाने जा रहा हूं, एक छोटी सी डायग्राम है, कंपेरिजन में बना लेते हैं यहां पर, ठीक बन जाएगी यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। ये डायग्राम इसके साथ है, हम यहीं पर बना देंगे। यहां पर हमारी कॉयल है, ये कॉनकेव शेप ऑफ मैग्नेट के बीच में प्लेस्ड है, ऊपर भी स्पायरल कोर है, यहाँ से पॉइंटर अटैच्ड है, ये आपका स्केल है, यहाँ पे पाइवोट है, लोअर पोर्शन पे भी स्प्रिंग है और करंट आउटपुट जा रही है। ये नॉर्थ पोल के साउथ पोल, 0, 30, 30 ये स्केल है आपका, इसे पॉइंटर कहते हैं आप, पॉइंटर, ये पाइवोट कहलाता है, ये करंट आई यहां से एंटर कर रही है, करंट आई यहां से जा रही है। ये जो आपका फिगर नजर आ रही है ये पाइवोटेड टाइप है, पाइवोटेड टाइप जिसे कहते हैं वेस्टर्न टाइप। ये गैल्वेनोमीटर हम अपनी लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जो लेबोरेटरी में यूज कर रहे हैं वो इसी काइंड का होता है। ये बहुत सेंसिटिव होता है, इसकी अगर एक बार सेटिंग खराब हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए इसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये माइनूट से माइनूट करंट तो डिटेक्ट करता है लेकिन सेंसिटिव बहुत है, डेलिकेट बहुत है। ये रफ एंड टफ है, इसको लेबोरेटरी में यूज करते हैं। इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, रेड और ग्रीन, रेड और ब्लैक सॉरी। तो दो टर्मिनल में एक आप करंट वायर को ज्वाइन कीजिए, आपको रिफ्लेक्शन देगा, ये लेफ्ट देगा ये राइट देगा, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स नहीं होते, लिखा होता है पॉजिटिव नेगेटिव लेकिन मीनिंग नहीं होता।
आप डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे करंट की, तो इसमें भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब जब हम करंट को फ्लो करेंगे, करंट फ्लो के कॉयल में से पास होगी, कॉयल किसके बीच में प्लेस्ड है, करंट कैरिंग कॉयल दो पोल्स और मैग्नेट के बीच में प्लेस्ड है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट करेगा। इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण स्प्रिंग क्या होंगे, कंप्रेस होंगे, एक और टॉर्क डेवलप होगा जिसे कहेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। ये रीस्टोरिंग टॉर्क डिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगल ऑफ आई के, एंगल ऑफ ट्विस्ट के, तो टाउ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू सी फाई। सी को कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, टाउ रीस्टोरिंग किसको बैलेंस करेगा, टाउ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को। सी फाई इज इक्वल टू एनआईएबी, आई इज इक्वल टू के फाई। तो यही चीजें चलेंगी, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, बट ये प्रैक्टिकल यूज के लिए होती है, ये लेबोरेटरी यूज के लिए वैसे यूज होती है जो हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हम करंट को डिटेक्ट करते हैं, माइनूट माइनूट करंट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, एनएमीटर, दोनों एक ही वीडियो में कवर कर देंगे आपके। तो बच्चों मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने साथियों के साथ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।